मार्केट में आके मार्केट में जाने के लिए बस ढूंढ रहे हैं। ये गोवा है गाइस, ये हमारे सामने ओल्ड गोवा चर्च है, बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन। भाई हम टाइम पे आते हैं, पता है, हम भी अंदर इधर देखिए उसकी यार। ओम पो ऑल दिस फॉर अ सिटी टूर गाइस, हम आज जा रहे हैं सिटी टूर। दिस इज आवर होटल। We have reached our first destination. Nikhil bro हमारे साथ है, Saidul भाई हमारे साथ है, Sahil भाई और finally Jaswan, Satish sir. Okay, this monument has been declared to be the national importance under the ancient monuments. Okay guys, we are here at the St. Augustine Tower, a monumental site. जैसे कि आप देख सकते हो पूरा का पूरा टावर ये चर्च हुआ करता था, पर अभी ये टूट चुका है, मतलब पूरे के पूरे रुइंस हैं यहाँ पे। इधर शेर, हाई 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 शेर, वाह मोदी जी। अबे भाई पीछे सेंट अगस्टीन टावर दिख नहीं रहा, अपना सर ऐसे रखा हुआ उसने, मतलब पूरा पीछे कवर किया हुआ, सेल्फी ले रहा है। गाइज मेरे को ये लैंग्वेजेस बिल्कुल समझ नहीं आती यहाँ पे। बीच में गाइज आप इंग्लिश सुनोगे तो गोवा में हम थोड़ा टोन बन जाता है बंदे का। ऐसा देख के लग रहा है कि मैं कहीं ग्रीक में पहुंच गया हूँ, एंशेंट ग्रीक। वो जो पिलर्स थे, वो जो सिटाडेल्स एंड टावर्स हैं उनके पूरे के पूरे पिलर्स ऐसे वाले। ये कैसे टूटा था? कोलैप्स हो गई थी, अपना तो वही लिखा है, खुद ब खुद कोलैप्स हो गई, प्रॉपर्टी बनी थी उसके हिसाब से। ओह, 13 टू 6 है कहीं, 6 हो गया छोड़ें दे, क्यों है मैं बड़ा था, वो पूरा गिरा है, जितना भी ये सब गिरा ना वो उतना बड़ा बना हुआ था। ये सारी पूरी बिल्डिंग इतनी हाइट पे थी? हाँ, नॉर्मल अपने आप ही गिर गया, ऐसा कुछ नहीं था। शायद वो मतलब जो स्ट्रक्चर उसका जो बना था ना, वो प्रॉपर्ली नहीं बना था, इसकी वजह से वो गिर गया। अच्छा, प्रॉपर्ली नहीं बना हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गोवा सर्कल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, गूगल पे भी लिखा हुआ था, इट वॉज कम्प्लीट इन 1602, आज कुछ 400 साल पहले इसकी ये जो बिल्डिंग थी कम्प्लीट की गई, पर कुछ बनाने में हो गया मसला, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग वाज नॉट दैट गुड, और पूरी बिल्डिंग की ये हाइट होती थी एंड देन होल बिल्डिंग कोलैप्स्ड इटसेल्फ। भाई गोवा के हवाले ये इंग्लिश मत सुनो यार मेरी। चैपल ऑफ एसटी विलियम, सेंट विलियम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गोवा सर्कल। यहाँ पे फोटोज़ वगैरह लेते हैं भाई। बाकी ये बंदे उस साइड पे घूम रहे हैं, ऊपर भी जा सकते हैं आई गेस, ऊपर भी काफ़ी बंदे गए हुए हैं। मैं ट्राई करूँगा ऊपर जाने की, ऑब्वियसली किलियों पे एंड सॉरी, यहाँ पे कुछ गुफा टाइप की है यार, वाह इतनी स्पूकी सी लग रही है। और यहाँ पे ये सारी की सारी पुर्तगीज लिखी हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये पूरा ऐसे इधर 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 हर साइड पर। और यहाँ पे जो है पुर्तगीज़ रूल हुआ है अराउंड 450 ईयर्स अकॉर्डिंग टू गूगल, तो ऑब्वियसली हर जगह पे वही देखने को मिलेगी। दिस प्लेस इज मम्मा मिया। सो अभी दिस इज़ द फर्स्ट साइट, अभी इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, अभी नहीं मैंने पूछा। ऐसा मना किया उधर से कि अंदर नहीं जाना है, और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड। वो तो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में भी थी, पर देखो पीछे देखो। ओह यार जैसे क्या लोकेशन है भाई, क्या बाद में टाइम नहीं लगेगा, पहले मेरा फ़ोटो ले। के बंदे ऐसे घूम के जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, और मुझे दो दो चीज़ें करनी होती हैं एक ही टाइम पे। वाओ मैं एक ही चीज़ इमेजिन करता हूँ कि यहाँ पे रात को क्या सन्नाटा होता होगा,
आई मीन कितनी हॉन्टेड प्लेस, ऑब्वियसली पीछे वाले व्लॉग में हम यहाँ से घूम के गए थे। व्हाट इज दिस यार, कोई कब्र जैसा कुछ लग रहा है रखा हुआ ये बॉक्स। खैर बाकी के बंदे निकल रहे, बस यही है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के लिए एक लोकेशन। तो नेक्स्ट लोकेशन क्या रहेगी हमारी? ओल्ड गोवा चर्च। अच्छा ओल्ड गोवा चर्च, हाँ तो ठीक है, आज थोड़ा अंदर जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे। वैसे 4 बजे उसको तो बंद कर देते हैं। हाँ साइट को हम गए थे उस दिन 4 बजे, वो बंद पड़ी। खैर अभी देखते हैं। और सेकेंड लोकेशन विच इज़ द ओल्ड गोवा चर्च। पिछली बार हम यहाँ से देख के वापस चले गए थे, इस बार गेट से एंट्री कर लेते हैं। और चर्च में तो एंट्री आई गेस नहीं है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम दुनिया बाहर से ही ऐसे फोटोज वोटोज खींच के। तो ये यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ रस्म बनी हुई है, जो भी बंदा वहाँ से एंट्री करेगा वो यहाँ पे आके खड़ा हुआ है और उसे यहाँ की ऐसे फ़ोटो लेनी ही पड़ेगी। शायद मुझे भी लेनी पड़ेगी, अभी मैं क्या सबको रोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली यार कितना अच्छा दिखता है, लाइक 425 ईयर्स ओल्ड चर्च और उसका ये स्ट्रक्चर। कार्विंग्स देखो ज़रा, पत्थर को कैसे से कैसे बनाया हुआ है यार, वो वाओ, दिस इज जस्ट इनक्रेडिबल यार। गोवा गाइस, ओके सो आई थॉट अंदर नहीं जा सकते, पर अंदर जाने का रास्ता वहाँ से है और खुला है, सो देखते हैं चल के। कपड़ा है ना, हाँ चाइना से आया था, चाइना 20 साल से मतलब उस टाइम पे वो रहते थे, वो चाइना से, वो जो शिवन काम है ना उसको शिवन काम बोलते हैं, शिवन का मतलब वो जो बुनना, उसको सोने का लेयर है, सोने के धागे से बुनना है उसको, हर एक लेयर देखो सोना का है। गाइस हम गए थे अंदर ओल्ड गोवा चर्च में और वहाँ पे अंदर जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे हमने एक बॉडी देखी जो कि कितने सालों से यहाँ पे अराउंड मोर देन 200 ईयर्स 200 ईयर से यहाँ पे है। और वो किसकी बॉडी है? सेंट फ्रांसिस जेवियर। सेंट फ्रांसिस जेवियर, वो बॉडी विदाउट केमिकल विदाउट वैक्स है, विदाउट वैक्स वैसे ही प्रिजर्व्ड है, डिकम्पोज भी नहीं हो रही है, डिकम्पोज भी नहीं हो रही, तो उसको ऐसा कहा जाता है कि मूव भी नहीं किया जाता, किया जा सकता है। और सिर्फ प्रीस्ट वगैरह उनको ही अथॉरिटी है, बाहर के लोगों को कुछ करने के लिए अलाउड नहीं है। और ये चर्च भी है ना, इसको रेनोवेट भी नहीं कर सकते, कुछ लगाया इस पे गिर जाएगा ऐसा क्या। वाव यार, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इतनी रिच हिस्ट्री थी इस चर्च की। खैर जैसन ने हमें थोड़ी सी जो चीज़ें बताई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो कि सबको पता होनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली बात बीच में बतानी याद नहीं रही, फ्रांस से मिलिट्री लेके आए। और ना रात को सेंट फ्रांसिस जेवियर इस चर्च में प्रेयर करते हैं, किसी को नहीं दिखता है, जो एकदम से होली होता है ना, होलीएस्ट होली उसको दिख जाए, इधर से वो जाता है और उस चर्च में जाके प्रेयर करता है। भाई इस पे तो गूज बम्प्स वाली बात है। केड़ा हुआ रहता हूँ, तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट। इधर आए हैं हम देखने के लिए जी ओल्ड पुर्तगीज स्टाइल के घर बने हुए हैं जो भी इस एरिया में, तो बस वही घूमने के लिए और देखने के लिए कैसे कैसा कल्चर होता था, वो सारा कुछ घरों पे ही डिपिक्ट करता है। क्योंकि जैसे जहाँ पे आप जाओ नॉर्थन इंडिया में, तो सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ पे काफ़ी सारा जो है ईरानियन आर्ट आपको देखने को मिलेगा, जब मुगल्स के ज़माने का पर्शियन आर्ट, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पुर्तगीज़ आर्ट देखने को मिलेगा। दिस इज़ अ नॉन मोटराइज्ड जोन, पर वहाँ पे हर साइड पे आपको व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नाम के बोर्ड्स लगे हुए हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहा उन रूल्स को। वाह ये तो सच में पुराने घर हैं, मतलब इतने भी पुराने नहीं हैं, अराउंड 100 ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स। वाह समी और समान, ये वार्निंग दी गई थी कि मतलब यहाँ पे किसी भी घर के सामने ज़्यादा देर तक नहीं रुकना, वरना ओनर्स आपको पत्थर फेंक के मारेंगे। मैं आके देख लो गाइस, तो दिस इज़ काइंड ऑफ सिटी। कुछ दिन पहले भी हम यहाँ पे घूम के गए थे पीछे वाले ब्लॉग में, यहाँ पे मुझे पता नहीं था जो संडे मार्केट होती हैं वो संडे वाले दिन नहीं लगती। शेर क्या कहाँ घूमा है?
टेयर ने बस जॉर्डन्स की तरफ नज़र गाड़ ली। कूल कोट है यहाँ पे लिखा हुआ, एवरीथिंग दैट हैज एवर हैपन विल हैपन अगेन फॉर श्योर। और हमारी गाड़ी यहीं पे कहीं पे होनी चाहिए, पर इधर नहीं, हम गलत जगह आ गए क्या? अरे यहीं पे उतरे थे ये, आई डोंट थिंक सो, आई एम वी आर नॉट रॉन्ग। अरे यार यहाँ से अब वापस निकलना हमने, पर हमारी गाड़ी यहाँ पे नहीं है, उतरे थे वहीं पे। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर लो गाइस, तब तक हम गाड़ी ढूंढ लेते हैं घर जाने के लिए, सॉरी जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ पे जाने के लिए। सब्सक्राइब कर लो तब तक।